जिला अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में महिला का ऑपरेशन किया गया है, तो व्यवस्थाएं किस कदर दुरुस्त हैं, ये वक्त वक्त पर अस्पतालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जहां ऑपरेशन को लेकर मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल किया गया है, तो लापरवाही के चलते महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया गया। पेट में दर्द होने पर डॉक्टरों के चक्कर अब महिला लगाती रही और कई महीनों बाद निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराकर उस तौलिया को बाहर निकाला गया। तो बच्चे की डिलीवरी कराने के लिए ऑपरेशन किया गया था। लापरवाह सीएमएस की कोतवाली से लेकर डीएम से शिकायत की गई थी। सीएमएस सुषमा कर्णवाल ने ये ऑपरेशन किया था। बड़ी लापरवाही ये अस्पताल की, जहां ऑपरेशन के वक्त बिजली चली गई तो मोबाइल की टॉर्च से ही महिला का ऑपरेशन कर डाला और नतीजा ये रहा कि महिला के पेट में ही तौलिया छोड़ दिया गया। कई महीनों तक महिला चक्कर लगाती रही लेकिन अस्पताल में उसकी एक नहीं सुनी गई। फिर प्राइवेट अस्पताल में जाकर महिला ने दोबारा से ऑपरेशन कराया, शिकायत की गई लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं। अमरजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमरजीत, ये मामला सीतापुर से जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही डॉक्टर की ये सामने आई है, क्या एक्शन लिया गया है इनके खिलाफ? ऋतु, जिस तरीके से पूरी घटना रही है वो निश्चित तौर पे जो डॉक्टरी पेशे को है वो शर्मसार करती है और जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं बेहतर करने की, उसको कहीं ना कहीं आईना दिखाने वाली तस्वीर आई है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं जबकि उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। रही बात कार्रवाई की, तो जब से पिछले 10 दिनों से जो तौलिया निकाली गई उसके बाद से भी पीड़ित परिवार लगातार सीएमएस सीएमओ और डीएम के चक्कर लगा रहा है लेकिन सीएमएस के ऊपर कोई न तो कार्रवाई की गई है और न ही इनसे कोई जवाब तलब किया गया है कि आखिर इनके द्वारा ऑपरेशन करने के बाद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई। और सबसे बड़ी बात निकल के सामने ये आई है कि सीएमएस ने जो ऑपरेशन किया था महिला का, उस दौरान अचानक लाइट चले जाने के बाद मोबाइल की टॉर्च जला करके महिला का ऑपरेशन किया गया था। तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, ऐसे में कुछ भी हो सकता था। अमरजीत, ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लापरवाही तो हुई है और ये सच भी आ गया है सामने की व्यवस्था कितनी है यहाँ पर, लेकिन इस लापरवाही को लेकर जब कोतवाली से लेकर डीएम के चक्कर लगाए गए, शिकायत की गई, तो क्या कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि काफी महीने बीत गए हैं और काफी महीने चक्कर लगाने के बाद ही महिला ने सोचा कि प्राइवेट अस्पताल में ही क्यों ना इलाज करवा लिया जाए, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, जाहिर सी बात है तमाम मामले ऐसे आते हैं कि जिनमें जिम्मेदारों पर से शिकायत तो की जाती है लेकिन जिनकी शिकायत होती है उनको न्याय नहीं मिल पाता है और शायद इसीलिए कई बार लोग उग्र भी हो जाते हैं। ऐसा ही ये भी प्रकरण है जिसमें करीब पिछले 4 महीने से लगातार शिकायत की जा रही है, बावजूद इसके किसी ने भी इस पूरे प्रकरण को संज्ञान लेने की जहमत तक नहीं उठाई है। कोतवाली पुलिस को भी लिखित शिकायत दी गई थी FIR दर्ज करने के लिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। CMO से भी इसकी लिखित शिकायत की गई है और DM से भी इस पूरे मामले की लिखित शिकायत की गई है लेकिन इन सब के बावजूद भी अब तक CMS से कोई जवाब तलब तक नहीं किया गया है। कार्रवाई होना यही कि आखिरकार किस चीज का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है इन उच्च अधिकारियों के जरिए। धन्यवाद आपका अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।